मिडिल ईस्ट में मचे घमासान और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को झेल रहे दो बड़े देशों के नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के बीच पहली बार एक दोस्ताना बैठक हुई। हाल के दौर में कई ईरानी और रूसी नेताओं की मुलाकात हो चुकी है, मगर ताजा बैठक तुर्कमेनिस्तान के राजस्थान अशखाबाद में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में हुई। माना जा रहा है कि मौजूदा बैठक हाल में ईरान और रूसी सेना के बीच सैन्य संबंधों के बीच हो रही है। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब इसराइल ईरान के बीच तनाव चरम पर है। पिछले हफ्ते ईरान के सबसे बड़े मिसाइल हमले के बाद से इसराइल की प्रतिक्रिया का इंतजार जारी है। वहीं एक हफ्ते पहले ही रूसी पीएम ने भी ईरानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से ईरान में मुलाकात की थी। एक समय ऐसा था जब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, मगर पश्चिमी प्रतिबंधों ने ही दोनों देशों को करीब लाने में बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान को एक ऐसे ताकतवर देश की जरूरत है जो उन्हें हथियारों की सप्लाई कर सके। वहीं यूक्रेन युद्ध के चलते अलग थलग पड़े रूस को ईरान के रूप में एक मजबूत सहयोगी मिला है। मुलाकात पर पुतिन ने कहा कि तेहरान के साथ संबंध मॉस्को के लिए बहुत जरूरी हैं। दोनों देशों के संबंध बहुत सफलतापूर्वक विकसित हो रहे हैं। हम इंटरनेशनल लेवल में सक्रिय रूप से एक साथ काम कर रहे हैं। दुनिया में घटनाओं के बारे में हमारे विचार अक्सर बहुत करीबी होते हैं। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध ईमानदारी से भरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी स्थिति समान है। मिडिल ईस्ट में हालात कठिन है। अमेरिका और यूरोप मौजूदा अशांति को लेकर बढ़ा रहे हैं। इजरायली सेना नागरिकों पर बमबारी कर रही है। पश्चिम एशिया में जिस तरह तनावपूर्ण हालात हैं, उन्हें देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन की मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देशों के बीच ड्रोन और अन्य रक्षा उत्पाद को लेकर करीब $1.7 बिलियन का निर्यात समझौता हुआ है। पुतिन ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है। साथ ही इसराइल को चेतावनी देते हुए पुतिन ने कहा कि ईरान पर हमला करने की हिम्मत मत करना। बता दें कि आज ईरान रूस से हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा आयात है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को बड़े पैमाने पर ड्रोन्स की सप्लाई की है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच रूसी विदेश मंत्री ने इसराइल को बड़ी चेतावनी दे डाली। सर्जेई लावरोव ने कहा कि अगर ईरान के असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की कोई धमकी दी गई तो इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गंभीर उकसावे के तौर पर देखेगा। मौजूदा तनाव के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सैन्यकरण किया जा रहा है। रूस का रुख हमेशा से फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। हर देश में आपको ऐसे राजनेता और संसद मिल जाएंगे जो ऐसे विचार व्यक्त करते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि उनके विचार देश की सरकार की वास्तविक नीतियों से मेल खाते हों। हमने पहले भी ये पैटर्न देखा है।